ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रभावी मंत्र जिससे कि किसी को भी अपने अधीन किया जा सकता है। इस मंत्र को मोहिनी मंत्र कहा जाता है और ये इतनी अपार शक्ति अपने भीतर समेटा हुआ है कि देखते ही देखते किसी को भी आपके वशीभूत कर दे। बहुत ही प्रभावी और बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र असर दिखाने वाला मोहिनी मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि क्षण भर में किसी को भी आपके अनुकूल कर देगा। बहुत सी कमेंट्स आती हैं, बहुत सी ऐसी क्वेरी आते हैं जिसमें कि लोग पूछते हैं कि गुरु जी कोई ऐसा मंत्र बताइए जो कि एक दो दिन में ही काम कर जाए। तो उन्हीं की आज शंका को दूर करते हुए ये मोहिनी मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। इसको कीजिएगा और इसके बाद जो है जो भी साध्य व्यक्ति होगा, जिसको भी आप अपने अनुकूल करना चाहते होंगे, वो दिन रात बस आप ही के बारे में सोचेगा। ये लगभग 7-8 साल पहले मैंने ट्राई करना शुरू किया था और जिस जिस भक्त ने इसको आजमाया उसका जो कार्य है वो फलित हुआ है। बहुत ही कारगर और बहुत ही शीघ्र असर करने वाला ये मोहिनी मंत्र है। इसमें जब मन में सच्चा प्रेम हो तभी आप इसको लगाएं। किसी को आहत करने के लिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए इसका प्रयोग कतई ना करें, क्योंकि इसमें तपस्या करनी होती है। 41 दिन की इसमें तपस्या होगी। यदि आप इसमें निपुण हो गए, यदि आपने इसको साध लिया, तब इसका फल आपको मिलेगा। जब तक आपके भीतर वो तप की भावना नहीं होगी, जब तक आपके भीतर वो सामर्थ्य नहीं होगा, तब तक आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते। बहुत ही बेहतरीन मंत्र है जिससे कि इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। 41 दिनों में आपको इस मंत्र की 121 बार 121 की संख्या में जाप करना है। प्रतिदिन आपको एक समय ऐसा बना लेना है जिसमें कि आप इसका जाप कर सकें। आपका जो मुखमंडल होगा वो पूर्व की तरफ होगा, आसन रहेगा लाल रंग का और कोई भी एक दिया जलाएं, अग्नि को साक्षी मानकर अपने जितने भी इष्ट देव हैं उनको बनाकर धूप दीपक जलाकर नैवेद्य रखिए और उसके बाद जो है आप इस मंत्र की साधना प्रारंभ कर सकते हैं। गुरुवार जो है ये इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। गुरुवार को आप या फिर बुधवार को इसको शुरू कर सकते हैं और जब भी इसका प्रारंभ करें तो अपने कुल देवता को एक बार स्मरण करें, एक बार अपने इष्ट देवता को स्मरण करें और उनसे आज्ञा लें कि गुरुवर आज मैं ये अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता दें और इसके बाद जो है इसका प्रयोग करें। आप अपना जो सिर है उसको लाल कपड़े से ढकिएगा और आपके नीचे जो है आसन रहेगा ऊनी वस्त्र का, कोई भी लाल रंग का आसन। अगर ऊनी ना हो तो आप कोई भी सूती का कपड़ा भी डाल सकते हैं। आसन पर बैठने के बाद आपको जो है अपना हाथ जो राइट हैंड है उसको अग्नि के ऊपर रखिए, थोड़ी देर लौ पर रखिए। जलाना नहीं है, बस उसकी आपको तपन महसूस करनी है और अग्निदेव से एक आपको संकल्प लेना है कि आपको साक्षी मानकर मैं ये प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आप इस विधि में, इस प्रोसेस में मेरा साथ दीजिएगा और इसके बाद जो है इस मंत्र को जपना शुरू कीजिएगा। मंत्र काफ़ी सरल है, जिस किसी को समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 9982416625 पर। और मंत्र शुरू करने से पहले आपको जो है
सात्विक रहना पड़ेगा। इस 41 दिन के समय में आपको बिल्कुल सात्विक रहना है। किसी भी तरह का मादक पदार्थ, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, मीट, अंडा, ये सब जो है आपको छोड़ देना है। बिल्कुल सात्विक रहिए, हो सके तो एकांत कामी बन जाइए, एकांत में रहिए। आइए मंत्र जान लेते हैं। काला मुख धोयो करूं सलाम, मेरी आंख में सुरमा बसे, जो देखे सो पायन पड़े, दुहाई गोसुल आजम दस्तगीर को छू। तो ये दुहाई मंत्र है और दुहाई मंत्र बहुत ही जल्दी लगते हैं। आपने ये पहला मंत्र देखा होगा जिसमें कि दुहाई भी है और मोहिनी मंत्र भी है। तो जब मोहिनी मंत्र में दुहाई लगती है तो बहुत शीघ्रातिशीघ्र फल प्रदान करती है। यदि आपको चाहिए कि एक हफ्ते भीतर, एक दिन में या फिर एक रात में अगर असर देखना है तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। मंत्र एक बार फिर से, काला मुख धोयो करूं सलाम, मेरी आँख में सुरमा बसे, जो देखे सो पायन पड़े, दुहाई गोसुल आजम दस्तगीर को छू। इस मंत्र की 121 माला आपको जाप करनी है और समाप्ति पर आपको कहना है जो भी आपके दिल में हो कि वो फला स्त्री जो है वो मुझसे आकर्षित हो जाए, या यदि आपको अपने पति को वश में करना है तो आप कहिए कि जो मेरे पति हैं वो मुझसे आकर्षित हो जाए। कुछ भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी कामना हो उसको बोल सकते हैं। तो 41 दिनों की ये साधना है। यदि इसको सफलतापूर्वक कोई कर लेता है तो सभाकुमोहन का उसके भीतर तेज आ जाता है। सिर्फ एक आदमी नहीं, जो भी उसके संपर्क में आएगा, यदि ऐसा व्यक्ति किसी के पास समीप से भी निकल जाए तो भी उससे लोग आकर्षित हो जाएंगे। एक ऐसा तेज, एक ऐसा लावण्य आ जाएगा कि मोहन सम्मोहन सब छोटी बातें लगेंगी। एक टक किसी ने आपको देख लिया तो बस देखता ही रह जाएगा। इस मंत्र को आप चिर यौवन के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आपको चाहिए सुंदरता, एक ऐसा आकर्षण जो कि किसी के पास ना हो, तो इस मंत्र की साधना कीजिएगा। तो एक अलौकिक शक्ति आपके साथ रहेगी जो कि जो भी आपको देखेगा उसको सम्मोहित कर देगी। आपको एक बार कोई देख लेगा तो वो दूसरी बार देखे बिना रह नहीं पाएगा। लोग आपको टकटकी लगाए देखेंगे। ऐसा बेहतरीन मंत्र, लेकिन इसके लिए आपको 41 दिनों की साधना करनी होगी। 41 दिन बिल्कुल अलग हो जाइए इस दुनिया से और एक ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पर कि सिर्फ अकेले आप हों। यदि आप गृहस्थ में हैं तो आप कोई ऐसा कमरा बनाइएगा जिसमें कि सिर्फ आप हों और वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप साधक हैं, तांत्रिक हैं, तो ये आप किसी वन प्रदेश में कर सकते हैं, किसी गुफा में कर सकते हैं, किसी नदी तट पर कर सकते हैं। सबसे अच्छा गुफा रहेगा जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई आता जाता ना हो। ऐसे में शक्तियाँ शीघ्रातिशीघ्र आपके पास आती हैं। तो इस मंत्र की 41 दिनों तक 121 की संख्या में आपको जाप करना है। जाप के उपरांत आपको अपनी जो भी अभिलाषा हो कि आपको ये चाहिए या फिर आपको चिर यौवन चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो आप कह सकते हैं और ये साधना आपको वो सब फलित करके देगी। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही कारगर मंत्र है। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com या मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर। इसे आजमाएं और मुझे बताइएगा कितनी शीघ्रातिशीघ्र इसने आपके काम जो है वो बनाए हैं। धन्यवाद।